अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में ईद के गोश्त को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरी ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश है कि ईद के गोश्त को हम कैसे मजे मजे के और शानदार शानदार किस्म के खाने बना के यूज कर सकते हैं। तो मेरी हम्बल आपसे आज की रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो भी नए आने वाले हैं सब्सक्राइब करें और लाइक भी लाजमी करें और शेयर भी करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अच्छी अच्छी मजेदार सी रेसिपी आपके पास बर वक्त पहुंचती रहे। और कमेंट्स लाजमी करें, सजेशन जरूर करें कि हम क्या कमी और क्या ज्यादती कर रहे हैं ताकि हम अपने रेसिपी को मजीद बेहतर कर सके। तो आज की मेरी जबरदस्त सी रेसिपी है बीफ पैटी बर्गर, जो मैं बनाऊंगी बहुत ही आसान और घर के सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हुए। और ईद के गोश्त को या बीफ को समझ लें या कीमे को हम किस तरह अच्छी अच्छी रेसिपी बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, बीफ पैटीज मैंने कैसे बनाए। बीफ पैटी बर्गर बनाने के लिए कीमा मैंने ले लिया 3 पाव। कीमा 2 दफा मशीन से मैंने निकलवाया, यानी बिल्कुल बारीक होना चाहिए और इसके रेशे यूं बारीक से होने चाहिए। तो कीमा 3 पाव के करीब है हमारा। तो इसी में साथ में मैं सबसे पहले डाल दूंगी 2 अदर टमाटर, जिनको पानी रिमूव करके इनका मैंने छोटा छोटा से क्यूब्स बना लिए, और 3 से 4 अदद हरी मिर्च, इनके भी छोटे छोटे से क्यूब्स बना लिए। तो ये डाल देते हैं। 3 अदद मीडियम साइज के प्याज, जिनको मैंने चॉप कर लिया, बारीक चॉप होना चाहिए। तो इसका पानी निकालना जरूरी है, ये फैब्रिक वही है जो मैं हर वीडियो में यूज करती हूँ, यानी सिर्फ स्ट्रेनर मैंने इसको प्याज के लिए रखा हुआ है, इसमें मैं दूसरी चीज कोई भी स्टेन नहीं करती। तो ये प्याज का ही स्टेन है, येलो येलो सा जो आपको नजर आ रहा होगा। तो इस तरह दबाते हुए मैं इसका सारा पानी निकाल लेती हूँ। प्याज को अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद ये भी इसमें डाल देते हैं। ये देखे कितना ही शानदार सा ड्राई हो गया। तो इस तरह का ड्राई ही हमने कीमे में डालना है, वरना कीमा पतला हो जाता है, कबाब हैंडल करना बहुत मुश्किल होते हैं। तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल लेते हैं। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून भर के, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, गरम मसाला घर का पिसा हुआ 1 टीस्पून, टिक्का मसाला मैं इसमें यूज कर रही हूँ 1 टीस्पून फुल भर के, क्योंकि इसकी खटाई और इसके अंदर टेंडर भी होता है, यानी बीफ को टेंडर करने का भी इस पे अज्जा होते हैं। तो ये शामिल कर देते हैं। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी पतला नहीं होना चाहिए, यानी इतना ही थिक होना चाहिए। पपाया पाउडर 1 टीस्पून भर के, क्योंकि बीफ की में तो इसको टेंडर भी करना है हमने। तो बस कर लेते हैं इसको मिक्स अच्छी तरह हाथों की मदद से हमने इसको मिक्स करना है, यानी बहुत ही दबा दबा के हमने इसको बाइंड करना है आपस में। तो यूं करते हुए आप भी इसको दबा दबा के अच्छी तरह से मिक्सिंग इसकी अच्छी तरह से कर ले, ताकि मसाला जात सारे कीमे में इक्वली जज्ब हो जाए। कीमे को अच्छी तरह से तमाम इंग्रेडिएंट मिक्स करने के बाद मैं इसको छोड़ दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको छोड़ सकते हैं। और एक चीज आपने याद रखनी है, कीमा आपका धुला हुआ नहीं होना चाहिए, अगर धो देंगे तो उसमें बाइंडिंग जो होती है खत्म हो जाती है। तो इसलिए कीमे को हमेशा बगैर धोए इस्तेमाल करें, यानी अगर आपने धोना है तो पहले गोश्त को धो ले, बाद में इसका कीमा बनवाए। तो इसको मैं ढांक के छोड़ देती हूँ कम से कम 1 घंटा के लिए। कीमा मैरिनेशन के लिए रख दिया, तो तब तक हम इसकी सॉस बना लेते हैं, चिली मायो सॉस। तो इसके लिए 3 टेबलस्पून मैंने मेयोनीज ले लिए, और 2 टेबलस्पून भर के चिली सॉस ले लिए है, चिली केचप ले लिए। तो इसको मिक्स कर देती हूँ। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक ये डाल देते हैं। 1 सर्विंग स्पून सिरका, व्हाइट सिरका ये डाल देते हैं। डार्क सोया सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून, चिली सॉस ये डाल देते हैं और इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे तो जबरदस्त सी हमारे पास बर्गर सॉस तैयार हो जाएगी। मस्टर्ड सॉस बनाने के लिए फिर से मैंने 3 टेबलस्पून मेयोनीज ले ली है, तो इसमें 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर ये डाल देते हैं। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, और इसको भी कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। मस्टर्ड सॉस और बर्गर सॉस दोनों ही तैयार हो गई हैं। ये मेरे तरीके से बहुत ही जबरदस्त सा टेस्ट आता है, किसी भी बर्गर के साथ आप इन सॉसेस को यूज करें तो शानदार सा आपके पास फ्लेवर आ जाएगा। तो चले कीमे को भी चेक कर लेते हैं, मैरिनेशन इसकी होगी
कीमे को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 1.5 आवर हो गए हैं। तो देखिए कीमा हमारा माशाल्लाह इतनी देर में टेंडर हो जाता है, यानी जो कचरी पाउडर हमने यूज किया था पपीता पाउडर, तो उसकी वजह से ये गलने में टाइम नहीं लेगा। आप जिस तरह भी मर्जी इसको पकाएं। तो चले इसकी शेप तैयार कर लेते हैं। 2 अदद चॉपर मैंने इस तरह कट कर लिए स्क्वायर में। तो इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे, ऑयल का हाथ, और इसी के साथ दूसरा जो है इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा हम ऑयल लगा दें, ताकि ये इस पे कीमा जो हमारा पैटी है वो चिपकने ना पाए। तो बस नीचे वाले को हम रखेंगे दरमियान में, और इसके ऊपर हम रखेंगे जो अपना हमने कीमा तैयार किया हुआ है। बहुत ही रफ सा रख के आपने ऊपर जो दूसरा पेपर है जिस तरफ हमने ऑयल लगाया था, इसके ऊपर इस तरह हाथों से हमने स्प्रेड करना है। इसको अच्छी तरह से हमने हाथों से स्प्रेड करना है, इतना ज्यादा पतला नहीं करना और इतना ज्यादा हमने मोटा भी नहीं रखना, क्योंकि हमने ये चपली कबाब के जैसे बनाना है, यानी इसकी बड़ी शेप होनी चाहिए। तो इस तरह करते हुए ऊपर वाला पेपर मैं उठा लेती हूँ, और जितना मैंने स्प्रेड किया है, यानी हमने बड़ी टिक्की बनानी है, क्योंकि बर्गर के लिए बड़ी टिक्की श्रिंक भी थोड़ा सा हो जाता है। तो मैंने तकरीबन ये वाली कटोरी ली है, मेरे हाथ से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये एक बड़ी कटोरी है। तो इसके ऊपर कटोरी को मैं रख के थोड़ा सा करूंगी इसको प्रेस, और बाकी का जो साइड का है इसको कीमे को हम उठा लेंगे बड़े ही आराम से, और जबरदस्त सा हमारे पास एक टिक्की की शेप आ जाएगी, यानी जितनी बड़ी हमें चाहिए वो शेप आ जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से, बस साइडों को हम इस तरह थोड़ा थोड़ा सा मजीद नीट कर लेंगे। तो बस फ्राई पैन में इसको मैं फ्राई करती हूँ, तो दिखाती हूँ सारे के सारे कबाब मैं इसी तरह स्प्रेड करते हुए बनाऊंगी। आराम से हमने पेपर को रिमूव कर देना है और इसको ट्रांसफर कर देना है पैन में। ऑयल जो है वो मैंने शेलो फ्राई ही डाला है, और इसको साथ साथ हमने थोड़ा सा हलाना है ताकि नीचे ना लगने पाए। तो दूसरा जो कबाब है वो भी मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि कबाब हमारे माशाल्लाह बड़े हैं और इन्होंने श्रिंक भी हो जाने हैं, तो इसलिए पैन में 2 ही की जगह होगी। तो इसको भी थोड़ा सा पहले मैं हला लेते हैं। तो बस 2 मिनट एक साइड की तरफ लगेंगे तो इसको ब्राउन होने में, एक साइड ब्राउन होती है तो मैं दिखाती हूँ आपको। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, तो इसको पलट के चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा कलर आ गया, बस पलटना आपने बहुत ही ध्यान से है। इस तरह करते हुए हम इसको बड़े ही आराम से पलट लेंगे, तो जबरदस्त से बीफ पैटी हमारे तैयार हो जाएंगे। दूसरी तरफ से भी ऐसा ही कलर आ जाए तो मैं दिखाती हूँ, सिर्फ 2 मिनट दूसरी तरफ भी लगाएंगे हम। बीफ पैटी दोनों तरफ से ही माशाल्लाह देखे शानदार से ब्राउन हो गए, तो बस हमें ऐसे ही चाहिए थे। तो बर्गर बनाने के लिए मैं इनके ऊपर एक एक स्लाइस चीज का रख रही हूँ, ताकि चीज साथ ही मेल्ट हो जाएगी। इसको रखते ही हम इसको चिमटे की मदद से, किसी भी स्पून की मदद से हम इसको उठा लेंगे आराम से, और प्लेट में इसको मैं कर दूंगी ट्रांसफर दोनों को। बर्गर सॉस जो बनाई थी, तो पैटी बर्गर के लिए 1 मैंने ले लिए 2 अदद, तो अभी मैं आपको 2 बना के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले बर्गर सॉस जो हमने बनाई है, तो ये स्प्रेड कर देते हैं अच्छी तरह से दोनों पे, और इसके बाद हम सलाद पत्ता जो है इसको अच्छी तरह से फैला के हम रख देते हैं। आप चाहें तो इस पत्ते को ज्यादा भी कर सकते हैं, मगर मैं तकरीबन नॉर्मल ही यूज कर रही हूँ। तो दोनों पे सलाद पत्ता मैं फैला देती हूँ अच्छी तरह से, और कुछ रिंग में प्याज मैंने काटा है तो ये भी इसके ऊपर हम डाल लेते हैं। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं ऑनियन की, किसी को पसंद होता है ज्यादा और किसी को कम, मैं नॉर्मल ही डाल रही हूँ। तो बस अब दोनों पे अच्छी तरह से केचप लगा लेते हैं, और इसी के साथ जो पैटी हमने फ्राई किया थे बीफ पैटी, तो ये डाल देते हैं। मस्टर्ड सॉस जो मेयोनीज में हमने बनाई थी, तो अब ये भी इसके ऊपर डाल देते हैं। इसमें भी आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, यानी कम या ज्यादा जितनी भी आपको पसंद है, तो ये भी डाल देते हैं। तो इसी के साथ बर्गर के जो टॉप है ये ऊपर रख देते हैं। तो जबरदस्त से हमारे पैटी बर्गर बन के तैयार हो गए हैं, यानी बीफ पैटी बर्गर बहुत ही जबरदस्त, देखने में बहुत शानदार और खाने में इंतहाई मजेदार। इसकी लुक चेक करें कि हम ये बाजार से खाते हैं तो इतने ही इंतहाई हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, यानी किसी भी रेस्टोरेंट से खाएं तो रेस्टोरेंट से बहुत ज्यादा अच्छा घर में हम तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सफाई का और सेहत का ख्याल रखते हुए हमने ये तैयार किए हैं बीफ पैटी बर्गर। तो उम्मीद है आज की रेसिपी, आज के टिप एंड ट्रिक को फॉलो करते हुए आप जरूर एक दफा ट्राई करेंगे मेरे तरीके से पैटी बर्गर बनाना। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा,
मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।